गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आज पुष्कर के लिए निकल रहे हैं और हमने वैन बुक कर ली है और लड़का हमारा देखो जा रहा है, वैन लेकर आएगा। इसी की वैन से हम लोग घूमेंगे और पूरा पुष्कर का ब्लॉग आपको दिखाएंगे, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। जा सकते हैं भैया क्या? तो अगर 5-10 मिनट रुकिए आप, हम तुम हो जाते मशीन है क्या? 5-10 मिनट भैया देखने मलवा लगता है, चढ़ोगे ना साथ में तो साथ में। अरे हमें बनाना है, वीडियो बनाना है ना यार, यही सब काली माता का मंदिर है। फिलहाल अभी तो हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जब गाड़ी पार्किंग में जाएंगे तब हम एक बार वो चल रहे तब दिखाएंगे चल रही है। पुष्कर में निहार ने राजस्थानी ड्रेस पहन कर डांस भी किया और उसकी मम्मी ने भी साथ दिया डांस करने में। इधर से अच्छी नहीं आ रही, उधर से अच्छी आएगी रिफ्लेक्ट। तो पुष्कर में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। रेगिस्तान में बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बजाने वाले बाजा सुनने में बहुत बढ़िया लगा हमको, म्यूजिक भी बहुत अच्छी यहाँ की है। यार तुम्हें? हमें तो मजा आ रही है और मजा अभी और आएगी जब 1800 सीढ़ी चढ़ के मैं गाड़ी बंद कर जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल आपको बढ़िया लगा? मजा आ रहा है गर्मी में? गर्मी बहुत गर्मी नहीं है, हवा तो अच्छी चल रही है, वैसे बहुत गर्मी अभी नहीं है लेकिन हाँ हो जाएगी जितना मौसम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। आप सभी को राजस्थान के पहाड़ कैसे लगे? पहाड़ तो है ही अच्छे, बढ़िया है। हबीबी वेलकम टू दुबई। हबीबी हम ऊँट चलाती चलाची, हम पूछ उठाती पूछ उठाती गोली गोली हकती आंटी व्यस्ती। मेरा चेली का बगान बहुत थाला बहुत सारा चेरी। हाय सामने जो पेड़ पौधा देखती है आमला की खेती होती है इसके अंदर। हाँ आमला की खेती, आमला की खेती इसके अंदर है। बताइए
पुष्कर में डिजर्ट सफारी घूमने के बाद ब्रह्मा घाट पर आए। यहाँ पर स्नान किया, फिर घाट पर पूजा करी, उसके बाद ब्रह्मा जी के दर्शन किए जो कि शांतिपूर्वक बिना भीड़ भाव में हो गए हमारे। यहाँ पर बताते हैं सामने आप जो द्वार देख रहे हैं ये प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अंदर से ही प्राचीन ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। अंदर तस्वीर खींचना मना था इसलिए बाहर तक की वीडियो बना पाए हम, वरना आपको दर्शन जरूर कराते। और ये पुष्कर की मार्केट है जहाँ पर यात्रीगण आते हैं और शॉपिंग करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने के बाद यहाँ से सीधा अजमेर दर्शन के लिए निकल गए। तो दोस्तों यहाँ से जयपुर की ट्रेन थी इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और अगर यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना, बताना कैसा लगा ब्लॉग। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।